ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की Instagram 3D वॉल फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितने भी बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस वीडियो को अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है क्या गाइस, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। देन गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड गाइस यहां से आप सभी को अपने इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लेना आपको अपनी पोस्ट का, ठीक है गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। देन उसके बाद आपको यहां पर जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन में। आपको गाइस अपने नेम वाले एरिया को यहां पर आपको सिलेक्ट करना है, एंड मतलब किसको क्रॉप करना है, ठीक है, नेम वाला जो एरिया सिर्फ उसको। एंड उसके बाद आपको आगे करना है वो भी मैं बताऊंगा, अभी पहले यहां पर इसको कम कर लेते हैं। पहले आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके मल्टीप्लाई रखना है। मल्टीप्लाई रखने के बाद आपको गाइस कुछ इस टाइप से नेम वाले एरिया में आपको कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिल क्या करना है, इतना हो जाने के बाद जब आप इतना कर लोगे तो उसके बाद आपको सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है गाइस दोबारा ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना उसी स्क्रीनशॉट को। एंड गाइस इसे फिर आपको यहां पे जाके इसको ब्लेंडिंग मोड जाके स्क्रीन कर लेना और मल्टीप्लाई कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहां से जाना है क्रॉप में, ठीक है। क्रॉप में जाने के बाद आपको गाइस जो ये नीचे वाला एरिया है जो यहाँ पे गाइस लाइक्स वगैरह एंड जो हमारा होम वाला होम एंड जो सर्च होता है आपको सिंपली इसको लेना है। एंड इतना एरिया आपको क्रॉप करके आपको गाइस कुछ स्टेप से आपको अपनी फोटो को जूम करना है एंड इसका साइज इंक्रीज करना है, ठीक है। आपको इतना कर देने के बाद आपको सिंपली नीचे वाले एरिया में गाइस आपको कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत वाली बात कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है, आपको बस ऐसे ही करना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस आपको एक स्क्रीनशॉट को ऐड और करना है, ठीक है, वो आपको गाइस आप अपने स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आपको ये मैं PNG दे दूंगा, आपको उसको सिंपली आप ऐड कर लेना है, जो गाइस हमारा हाइलाइट्स वगैरह जो होते हैं ना एंड जो बूस्ट पोस्ट जो मतलब अपनी पोस्ट का प्रमोशन के लिए ऑप्शन जो होता है वो वाला। ये गाइस आपको मैं लिंक दे दूंगा इसका भी, या फिर आप अगर चाहो तो आप अपने स्क्रीनशॉट में से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको सिंपली इसको तो यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग मोड्स का चेंज नहीं करना है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज मत करना। सिंपली बस ऐसे साइज रख के एंड आपको सिंपली यहाँ पे जो है मतलब कि आप देख रहे हैं साइज वगैरह, एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कर देना है डन। ओके तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे कैसे जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड कैसे यहाँ से आप सभी को ऐड करना है अपने मॉडल को, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ हमारा मॉडल है ना, तो आपको उसको ऐड करना है। एंड गाइस जो साइज़ है ना वो अपने अकॉर्डिंग रखना है गाइस, ठीक है, मतलब कि आप देख लेना आप अपने हिसाब से। एंड जो बैकग्राउंड में शेडो तो पहले से क्रिएट है तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, बट अभी इसमें हमें थोड़ी सी शेडो बनानी है, ठीक है, तो कैसे बनानी है वो भी मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे आपको फोटो को मॉडल को रखने के बाद डन नहीं करना है, ठीक है, आपको जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको ब्लैक वाली ये PNG, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप इसका जो साइज़ है आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है, साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है। देन गाइस आपको रिजल्ट टूल में जाना है, इनवोट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस साइज इंक्रीज़ कर देना है। एंड गाइस फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको कुछ स्टेप ऐसे पेंट करना है, मतलब कि मतलब साइज़ बढ़ा रखें। एंड जो पेंट ऐसे करना है कि जो आपका जो पेंट जो आपका लैग है ना उसके बाहर की तरफ दिखेगी शेडो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अभी तो मतलब लग रहा होगा गाइस आपको कि तो यार हमारे ऊपर हो रहा है बेस्ट शेडो क्रिएट, पर ये तो अच्छा नहीं लगेगा, बट गाइस कोई नहीं, सबका है इलाज, ठीक है। आप लोग अभी देखते रहो एंड ऐसे शेडो क्रिएट करो। देन गाइस आपको उसको हाइड कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा, एंड आज ज़्यादा से लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि हम हर बार ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको जो फिर करना है आगे, पहले हम इसको फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं बताता हूँ आपको फिर क्या करना है। फिर गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर यहाँ पे डन करना है, एंड आपको रिजल्ट टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, इसको कर देना मूव बैक, एंड ये पीछे की तरफ चले जाएगा एंड हमारी शेडो बन जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डन नहीं करेंगे, हम वापस से ऐड फोटो में जाएंगे एंड उसी PNG को हम यहाँ पे ऐड करेंगे ब्लैक वाली को, क्योंकि अभी हमें बनाने पैरों के नीचे शेडो। फिर आपको यहाँ पे कुछ साइज़ बढ़ा करके एंड रिजल्ट टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको साइज़ कुछ इतना रखना है, एंड उसके बाद गाइस आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड गाइस अपने पैरों के नीचे आपको बना लेनी शेडो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड इस वाले पैर पर भी बना लेते हैं हम, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। एंड गाइस सेम चीज़ वही करनी है हमें, इसे मूव बैक कर देना है, ये पीछे की तरफ चले जाएगा एंड हमारी जो शेडो है एकदम अच्छे तरीके से बन जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे अब डन, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अब डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आपको एक विगनेट का PNG, ठीक है, बहुत ही अच्छा PNG है गाइस, हमारी फोटो में अलग ही नेक्स्ट लेवल लुक लाइफ देगा ये PNG हमारी, जैसे गाइस देख सकते हैं आप, आपको फुल स्क्रीन कर देना ऐड करने के बाद, एंड देखिएगा कितना अच्छा लुक आ रहा है इससे हमारी फोटो में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है डन। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको अपनी फोटो को कर लेना है सेव, एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो अब इसको हम ऑन करते हैं लाइट रूम ऐप में, एंड इसके बाद आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में जो आपको साइड में दिख रहा होगा,
देन गाइज आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करना है एंड जो इसका हाईलाइट है गाइज इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। फिर यहाँ पे आपको शेडो मिलेगा गाइज आपको उसको थोड़ा कम नहीं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेना है ठीक है शेडो हल्का सा। एंड जो वहाँ पे मिलेगा वाइट आपको जो वाइट है इसको थोड़ा कम कर देना है एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर आपको जाना गाइज यहाँ से कलर्स वाला ऑप्शन में। फिर गाइज यहाँ पे इसको आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना है हल्का सा -4 तक कुछ एंड इसको चले जाना वो कलर मिक्स में। यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है लूमिनस बढ़ा देना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है आपको गाइस जाना है ऐसे ब्लू येलो कलर में आपको उसका ह्यू माइनस कर माइनस प्लस में रख लेना है सैचुरेशन प्लस कर देना। देन गाइस आपको क्या करना है यहाँ से आपको जाना है डार्क ब्लू में इसका सैचुरेशन माइनस मत रखना नहीं तो गाइस काफ़ी चीज़ें हाइड हो जाएंगी इसमें तो आप सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेना है। अगर कलर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। तो आपको यहाँ पे इतना करने के बाद आपको डन कर देना है जाना नीचे वाले टूल में। फिर आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देना है फोटो में हल्का सा विग्नेट डाल देना वैसे विग्नेट तो काफ़ी है बट हम अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ग्रेन माउंट थोड़ा बढ़ाएंगे एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में। फिर यहाँ पे गाइस थोड़ी शार्पनेस इंक्रीज करेंगे फोटो की एंड जहाँ पे नोड रोशन हम इसको बढ़ाएंगे एंड इसके नीचे मिलेगा वो कलर नोड रोशन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय।